हेलो दोस्तों गुड आफ्टरनून भाई सभी को चलो भाई आ जाओ सभी लोग तो आज का चैप्टर आपका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ठीक है ना आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन पर चार ऑप्शन मिलेंगे चार ऑप्शनों में से आपको तीन एक समान ढूंढने होंगे किसी रूप से कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी लग रही होंगी जो समान होंगी तीन तीन ऑप्शनों में एक अलग हो जाएगा उसमें ठीक है तो उसके क्वेश्चन में आपको लेकर आया हूं सभी टाइप के ऑप्शन है क्वेश्चन है आपके सामने चलो बता दिया था मैंने इसके बारे में आपको पहला क्वेश्चन क्या है दिया हुआ है संगीत दूसरा ऑप्शन है गायक निर्देशक अभिनेता चार ऑप्शन दिए हुए हैं पेपर में क्वेश्चन इसी प्रकार आएगा निम्नलिखित दिए हुए शब्दों में से कौन सा विषम है भिन्न है अलग है ठीक है तो संगीत गायक निर्देशक अभिनेता इनमें से चारों ऑप्शनों में से कौन सा अलग है वो आपको बताना है ये चलो देखो किस प्रकार से देखो अभिनेता जो होता है अभिनेता किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहा है कोई व्यक्ति होता है अभिनेता निर्देशक भी कोई व्यक्ति है किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहा है और गायक भी किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहा है क्या संगीत कोई व्यक्ति होता है तो यहां से अलग क्या होगा ए ऑप्शन क्योंकि ये तीनों एक समान हो गए किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहा है तो यहां से ऑप्शन कौन सा सही होगा ए ऑप्शन संगीत ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में आया हुआ है यही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है वायलिन पियानो बांसुरी और हारमोनियम ठीक है किस प्रकार से अलग है वायलिन पियानो और हारमोनियम तीनों के तीनों किस प्रकार से हाथों हातो, हाथों के द्वारा बजाए जाते हैं ठीक है और बांसुरी जो होती है वो मुंह के द्वारा होटो के द्वारा बजाई जाती है ठीक है फूक मारी जाती है इसमें चलो नेक्स्ट <laughs> दिया हुआ है ऊंचा ऊपर हाई भूतकाल वर्तमान काल पास्ट फ्यूचर अक्सर कभी कभी ऑफन समटाइम ताजा बासी सब कुछ दिया हुआ है तो ये मिलते हैं आपको एक तरीके से विलोम शब्द ठीक है ना एंटोनिम्स जो होते हैं ऊंचा ऊपर क्या दोनों अलग अलग हैं नहीं एक जैसे हैं भूतकाल वर्तमान काल एक दूसरे के अपोजिट हो गए विपरीत हो गए अक्सर कभी कभी अक्सर तो हो गया हमेशा एक तरीके से कभी कभी भाई कभी, कभी कभी की बात है ताजा ताजे का विपरीत हो गया बासी ये दोनों सेम मीनिंग थे बिल्कुल एक ही बात है ऊंचा हो गया और ऊपर हो गया ऊपर की बात है तो यहां से जो अलग होगा वो कौन सा होगा ए ऑप्शन ए ऑप्शन आपका यहां से अलग हो जाएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई तुलसी चमेली ट्यूलिप और गुलाब ये चार आपको दिए हुए हैं आसान है बिल्कुल कैसे कारण पौधे तो सभी हैं हां ये फूल हो गए ये फूल हो गए और तुलसी जो है एक औषधि के रूप में प्रयोग में आती है ठीक है ना ये तीन तो हो गए फूलों के लिए प्रयोग में और ये जो होता है ये औषधि के रूप में प्रयोग होता है जानते ही हो आप सब लोग ठीक है नेक्स्ट दिया हुआ है हीरा ये क्वेश्चन भी देखो कई बार एग्जाम में आया हुआ है हीरा सोना चांदी प्लेटिनम बाकी तीनों क्या हैं धातु और हीरा क्या होता है कार्बन कार्बन का अपर रूप ठीक है ये कार्बन का अपर रूप होता है इसी वजह से यहां से जो ऑप्शन होगा सही हीरा होगा चलो नेक्स्ट <coughs> ये आपका भाई पिछली बार यूपीएसआई में एग्जाम में आया हुआ था ये क्वेश्चन यूपीएसआई में ये क्वेश्चन आया था अविवाहिता पत्नी अविवाहित और विधवा बताइए जरा अविवाहिता पत्नी अविवाहित और विधवा पत्नी क्यों हैं किसी के साथ रहते हैं किसके साथ रहते हैं अच्छा आप कह रहे हो भैया पत्नी पति के साथ रहती है बाकी अलग अलग बिल्कुल सही बात है भाई अविवाहिता अविवाहिता अलग अकेली हो गई और अविवाहित ये भी, भी अकेला हो गया विधवा भी अकेला हो गया ठीक है लेकिन अगर मैं कहने लगूं अविवाहिता ये महिला के लिए बोल रहा है इसको भी महिला के लिए बोल रहा है और इसको भी महिला के लिए बोल रहा है अब अविवाहित क्या हो गया अविवाहित पुरुष के लिए बोल रहा है इससे तो यहां से फिर यह भी होना चाहिए ठीक है तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आया हुआ है जहां से ये वाला भी सही होता है और ये वाला भी अब दोनों तो सही होंगे ना एग्जाम में किसी एक को मानकर चलेगा एग्जामिनर तो एग्जामिनर जो मान के चल रहा है वो किसको मान के चल रहा है वो इस वाले को मानकर चल रहा है उसने दे दिया है साफ साफ कि भैया बी बी सही है इसका और सी बी दोनों सही हैं लेकिन जो ज्यादा सही माना गया है वो ये सी माना गया है ठीक है नंबर इन दोनों पे ही मिले हैं इस क्वेश्चन पे दोनों पे ही दिए गए कारण भी दोनों का साथ में दिया हुआ है कि भाई वो तीनों एकल रूप के लिए प्रयोग हो रहे हैं अविवाहिता अकेला व्यक्ति अकेला रहता है अविवाहित भी सिंगल अकेला हो गया और विधवा भी अकेला है लेकिन ये एक जोड़े के रूप में पति पत्नी एक साथ जोड़े के रूप में रहते हैं ठीक है ना इस वजह से लेकिन यहां पर जो ये पुरुष के लिए डिनोट कर रहा है और बाकी ये तीनों जो थे वो महिलाओं के लिए तो ऑप्शन जो हमारा सी ज्यादा सही होगा सी को हम करेक्ट मानेंगे अगर यही क्वेश्चन आपके सामने रिपीट हो जाता है आंख मींच कर लगाना सी बिल्कुल सही होगा ठीक है हाँ सिंगल लड़की भी हो सकती है फिर ये क्या है ये क्या है ये भी तो लड़की के लिए ही बोला अविवाहिता जिसकी शादी नहीं हुई ठीक है ना उसके लिए बोल दिया देखो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है सिंगलनेस और ये सिंगल ये पुरुष के लिए लगता है और ये महिलाओं के लिए ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इनाम उपहार पुरस्कार और दान इनाम उपहार पुरस्कार और दान देखने से ही पता चल गया होगा क्या आएगा आंसर लास्ट ऑप्शन किसी का कोई और आ रहा हो तो बता दो कुछ और आ रहा है चलो ठीक है ये लास्ट वाला सही हो जाएगा भाई देखो इनाम हो गया उपहार हो गया पुरस्कार ये एक तरीके से कहने लगे बिल्कुल मिलने वाली कंडीशन हो गई एक तरीके से हालांकि दान भी तो ऐसा होता था दान ले लिया हमने ठीक है ना दान ले भी तो सकते हैं किसी से लेकिन वो एक तरीके से कहते हैं खुशी के रूप में एक तरीके से या एक तरीके से कहने लगे इनाम हो गया भाई इनाम कब मिलता है जब अच्छा वर्क किया जाता है पुरस्कार भी उपहार भी वो कंडीशन में अब दान जो है एक तरीके से दान या तो गरीब गरीब हो कोई उसको दान देंगे या हम गरीब हैं तो कोई हमें देके चला जाएगा ठीक है तो वो तो हो गए अच्छे के लिए और ऐसा ना कह सकें अच्छे और बुरे के लिए लेकिन ये जो कंडीशन है वो लेने वाली कंडीशन कह सकते हैं हम इसको ठीक है ये यहां से दान आपका आंसर सही होगा चलो बताओ भाई इसका आंसर प्रशंसा करना भर्तसना करना साबासी देना और तारीफ करना समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन पहले तो ये बता दो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं प्रशंसा करना इंग्लिश में भी लिखा हुआ है देख सकते हो जिन जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से किया हुआ है वो आप चेक कर सकते हो प्रशंसा करना भर्तसना करना शाबाशी देना तारीफ करना अब यहां से भी पता चल गया होगा देखो बहुत सी बार आपने देखा होगा जब अदालत में कंडेम ऑफ कोर्ट है ना सुना होगा अवहेलना करना एक तरीके से उसके खिलाफ जाना और प्रशंसा करना साबासी देना तारीफ करना ये पॉजिटिव में चले गए और ये चला गया बिल्कुल आपका किसमें नेगेटिव पे यानी कि किसी भी वर्ग की अवहेलना करना उसका पालन ना करना तो यहां से ये ऑप्शन क्या होगा सही होगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई <coughs> देखो बीमारी आ गई आपकी ये दिया हुआ है टिटनेस निमोनिया क्षय रोग और यकृत सोथ टिटनेस कैसे बताओ कारण अच्छा ये सारी बीमारियां वो बीमारी नहीं है वो भी तो बीमारी है टेटनेस की बीमारी वो बीमारी ही होती है कुछ जीवाणुजनित है कुछ विषाणुजनित है ये आपको बताना है कुछ वायरस से कुछ बैक्टीरिया से क्या होगा बताओ टीबी टाइफाइड टेटनस ये टी टी करके तीनों एक साथ याद कर सकते हो टीबी टाइफाइड टेटनस किससे होते हैं बैक्टीरिया से जीवाणु जनित अब देखो टेटनस भी आ गया और टीबी भी आ गया दो तो जीवाणु वाले हो गए अब ये यकृत सोथ जो है हेपेटाइटिस इसको शायद पीलिया बोलते हैं है ना पीलिया तो ये जो होता है किससे होता है वायरस के द्वारा निमोनिया भी किस पे आ गया जीवाणु पर ठीक है ये तीनों किसमें हो गए जीवाणुजनित रोग और ये हो गया विषाणु वायरस से होने वाला ठीक है इस वजह से यहां से ये ऑप्शन सही होगा यकृत हैपेटाइटस ठीक है किसी को डाउट अब चलो <laughs> दिया हुआ है संपीडन करना टू कंप्रेस संगठन करना कंडेंस संक्षिप्त करना शॉर्टन परिवर्तन करना चेंज आसान है बिल्कुल इंग्लिश में पढ़ने से ही पता चल जाएगा देखो संपीडन करना संगणन करना संक्षिप्त इन तीनों का मीनिंग जो है इन तीनों का किसी भी वस्तु बोलो किसी भी कारण में में किसी चीज में कमी करना करना एक तरीके से उसको छोटा करना, कम करना और परिवर्तित करना क्या होता है पूरा ही उसका आकार चेंज कर देना पूरा उसका आकार चेंज कर देना तो यहां से ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन तो मैंने बताया था तीन आपको एक जैसे ढूंढने होंगे तीनों में कुछ ना कुछ समानता मिलेगी कोई एक चौथा ऑप्शन ऐसा होगा जो उनसे अलग जो उनसे मेल नहीं खाएगा तो यहां से होगा परिवर्तित करना चलो आगे क्या दिया हुआ है यह भी क्वेश्चन देखो कई बार आया हुआ है एग्जाम में वितरण विसरण, तनुकरण विपतन डिलीवरी डिफ्यूजन डिल्यूशन और एबरेशन बताइए भाई वितरण वितरण क्या हो गया बांटना देना विसरण, विसरण भी क्या होगा एक तरीके से फैलाना और विपथन यह भी होता है फैलाना तनुकरण क्या होता है मिलाना तनुकरण होता है मिलाना तो यहां से ऑप्शन कौन सा सही होगा सी ऑप्शन ठीक है यहां से ऑप्शन कौन सा सही होगा सी तनुकरण होता है एक तरीके से मिलाना जोड़ना इकट्ठा करना ठीक है नेक्स्ट ये देशों के नाम दे दिए गए हैं जापान नेपाल फ्रांस और चीन जापान फ्रांस सभी का फ्रांस है भाई कोई ज, फ्रांस से अलग हो तो बता दो ऐसा कोई बैठा हो कारण बता दो अब मुझे बिल्कुल ये आपका जापान एशिया में हो गया नेपाल भी किसमें एशिया में और चीन भी आपका एशिया ये किसमें पड़ता है यूरोप में ठीक है ये आपका होता है यूरोप में सी ऑप्शन यहां से हो जाएगा सही ठीक है इस प्रकार का भी क्वेश्चन मिल सकता है बिल्कुल मिलता ही मिलता है एग्जाम में चलो बताओ भाई इसका आंसर हरिकेन विस्फोट भूकंप सुनामी हरिकेन क्या होता है तूफान है तूफान, तूफान. बिल्कुल चक्रवात तूफान विस्फोट भूकंप सुनामी विस्फोट क्यों बिल्कुल 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 हरिकेन जो तूफान है ये बिल्कुल प्राकृतिक है नेचुरल है विस्फोट की बात करने लगू ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है वो भी तो प्राकृतिक है लेकिन ये कृत्रिम तरीके से भी कराया जा सकता है है ना दिवाली पे बम्ब फोड़ रहे हैं विस्फोट ही तो हो रहा है, है। बस वहां छोटा होता है कहीं बड़ा करना हो तो बड़ा धमाका डाल दो भूकंप ये भी प्राकृतिक है और सुनामी ये भी प्राकृतिक है तो इसको हम दोनों तरीके से करा सकते हैं प्राकृतिक भी और कृत्रिम भी ठीक है तो यहां से विस्फोट अलग हो जाएगा नेक्स्ट सूक्ष्मदर्शी दुर्बीन परिदर्शी परिस्रावक इंग्लिश में पढ़ लो आसानी से आंसर मिल जाएगा बिल्कुल है ना बिल्कुल है ना ये तीनों किसका काम कर रहे हैं ये तीनों किसका काम कर रहे हैं भाई सूक्ष्मदर्शी हो गया दूरबीन हो गया परिदर्शी पेरिस्कोप तीनों के तीनों देखने का काम कर रहे हैं स्टेथोस्कोप इस डॉक्टर के लगा रहता है ना कान में और दिल की जो धड़कन सुनता है है ना स्टेथोस्कोप इस जो है परिस्रावक ये सुनने का काम कर रहा है तो यहां से ये अलग होगा डी ऑप्शन क्लियर चलो नेक्स्ट वीर ब्रेव ओजस्वी निर्भिक अल्पभाषी बोलने से आंसर मिल गया ना वीर ओजस्वी और निर्भिक जो डरता ना हो किसी से भी अल्पभाषी संकोची संकोची कल भी बताया था अल्पभाषी जो कम बोलता हो जो अपनी बातों को सामने रखने में डरता हो संकोच करता हो किसी के सामने प्रस्तुत ना कर सके तो अल्पभाषी यहां से क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा तीनों लगभग सेम मीनिंग थे वीर हो गया वीर भी किसी से ना डरता भैया निर्भिक भी किसी से ना डरता ओजस्वी हो गया एक तरीके से तेज व्यक्ति ओजस्वी ठीक है चलो नेक्स्ट स्पर्श रेखा व्रतांश त्रज्ञा और विकर्ण स्पर्श रेखा व्रतांश त्रज्या और विकर्ण आप बताओगे कैसे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है चलो स्पर्श रेखा हो गई स्पर्श रेखा और व्रतांश और त्रज्या तीनों सर्कल के पार्ट हो गए है ना स्पर्श रेखा की बात करने लगू व्रत से जो तो टच होकर जाती है वो स्पर्श रेखा हो गई त्रजा की बात करने लगे तो त्रजा ये होती है आप सभी लोग जानते हो रेडियस ठीक है और व्रतांश व्रतांश होता है व्रत का कोई छोटा पार्ट है ना ये होता है व्रतांश इसको बोलते हैं ठीक है क्लियर तो यहां से क्या अलग होगा विकर्ण इस व्रत में कहीं पे नहीं आता विकर्ण आता है आपका वर्ग में आ गया आयत में आ गया समपंच बुज अष्टभुज सब में मिल जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई कान यकृत व्रक आंख बहुत अच्छा क्वेश्चन है अब आंसर दीजिए जल्दी से फटाफट सभी लोग समझ के देना आंसर बिल्कुल अच्छे रूप से कान यकृत लीवर व्रक हो गया किडनी आंख आई ए ऑप्शन बी ए वाले बताओ ए वाले कितने हैं अच्छा वाले कारण बता दो एक सेकंड एक सेकेंड हाँ। आप बताओ जी चलो अच्छा अच्छा चलो अब तो बहुत सारे ऐसे तो बहुत सारे आंश अब कुछ ऐसे भी कहेंगे जी कान हमारा दो होते हैं यकृत लीवर कितना हो, कितने होते हैं एक वक्त किडनी दो होती हैं आंख कितनी होती हैं ऐसे तो अब यकृत भी हो जाएगा है ऐसे ये भी हो सकता है भाई ये सारे दो दो होते हैं हमारे शरीर में लीवर एक ही बचा लेकिन एग्जामिनर ने बहुत अच्छे सोच समझ के ये क्वेश्चन रखा है जिससे कि बालक इसमें कंफ्यूजन हो गए उन बहन ने भी बताया है कि भाई आ, इनको हम डोनेट कर सकते हैं कान को डोनेट नहीं कर सकते हैं ये भी बात सही है चलो अब तीसरा नियम मैं बता दूं जो इसका आंसर देगा कान हो गया यकृत लीवर और आपका आंख इनको बोलते हैं हम ग्राही अंग ग्राही का अर्थ हो गया जो ग्रहण करने वाले होते हैं ठीक है जो किडनी होती है ना व्रक किडनी यह होता है उत्सर्जी अंग उत्सर्जी यह दिया हुआ है एग्जामिनर ने इसका आंसर उत्सर्जी अंग मल को बाहर निकालने में जो प्रयोग होता है ठीक है उत्सर्जी बढ़िया क्वेश्चन है ना बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस वजह से है कि इसमें तीन नियम लग गए भाई अब कौन से को लगाए सही ठीक है ध्यान रहेगा फिर चलो नेक्स्ट <coughs> जीवनी बायोग्राफी फोटोग्राफी लिथोग्राफी और जियरोग्राफी जीरोग्राफी <coughs> कौन सा होगा जीवनी फोटोग्राफी लिथोग्राफी जीरोग्राफी ये तो शायद आपका जीरोक्स वाली कंडीशन जो होती है वही है ना ये फोटोकॉपी जो कराते हो चलचित्र ये भी आपका किससे संबंधित है लिथोग्राफी जो पत्थरों पर चित्र चुपकाए जाते हैं एक तरीके से पत्थरों पर और फोटोग्राफी आप जानती हो जो फोटोग्राफी फोटो खींचते हैं लोग तो तीनों तो तीनों किससे संबंधित हो गए चित्रों से चित्रों से संबंधित हो गए बचा क्या जीवनी जीवनी क्या होती है जो किसी व्यक्ति के द्वारा अपने जीवन का परिचय लिखा जाए उसको बोलते हैं हम जीवनी बायोग्राफी यहां से ऑप्शन ए सही होगा चलो सफेद समुन्दर पृथ्वी ग्रह प्याज सब्जी अंगूर फल आसान सा क्वेश्चन है फटाफट देख के बता दीजिए ठीक है अंगूर से चेक कर रहे हैं अंगूर और फल अंगूर क्या होता है भाई फल ही होता है बिल्कुल सही लिखा हुआ है बिल्कुल प्याज क्या होती है सब्जी पृथ्वी क्या है सफेद सफेद क्या समुंदर होता है सफेद तो कलर होता है रंग तो ये यहां से ऑप्शन सही होगा तीन एक समान थे वो अलग हो गया चलो नेक्स्ट सिर मस्तिष्क हाथ कलाई भुजा कंधा पैर टखना बताइए भाई जल्दी से साथ की साथ नियम भी बताना मुझे ए ए वाले कितने हैं कारण बता दो तो मुझे क्या अच्छा और बताओ चलो सी कैसे भुजा तो पूरी होगी पूरे पूरे कोई बोलेंगे भुजा लास्ट में तो यहां पे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है नहीं? हाथ हाथ हो गया ये वाला ऊपर वाला ये जो हाथ है ये किससे जुड़ा हुआ है कलाई से ये जुड़ा हुआ है कलाई से भुजा की बात करने लगू भुजा पूरा ये भुजा हो गई ये कंधे से जुड़ी हुई है भुजा जो जुड़ी हुई है कंधे से जुड़ी हुई है अगर मैं कहने लगू पैर पैर निचला वाला जिसको आप गट्टा बोलते हो है ना टखना वो उससे जुड़ा हुआ है तो ऑप्शन कौन सा सिर किससे जुड़ा हुआ था जो आपकी रीढ़ की जो हड्डी होती है ना इससे ही तो जुड़ी होती है तो यहां से यह ऑप्शन सही होगा सिर जो है मस्तिष्क से नहीं जुड़ा होता सिर जो जुड़ा होता है हमारा वो किससे जुड़ा होता है रीढ़ की हड्डी से चलो नेक्स्ट क्वेश्चन <coughs> तालाब झील पिस्तौल बंदूक कार बस चर्च स्मारक बताइए भाई इसका आंसर डी कितनों का आ रहा है डी तालाब भाई तालाब और झील की बात करने लगूं दोनों लगभग सेम से हो गए तालाब की जगह यूज में झील भी आ सकती है है ना मैं कहने लगूं पिस्तौल अगर पिस्तौल ना मिले तो बंदूक ले लो किसी को मारना है तो है ना कार कार से कहीं ऑफिस जा रहे हो कार से ना जाके बस से चले जाओ एक दूसरे के पूरक हो गए एक दूसरे के पूरक हो गए इसकी जगह पर हम इसको ले सकते हैं चर्च चर्च पूजा स्थल होता है स्मारक थोड़ी होता है है ना वो पूजा स्थल पूजा करने के लिए स्थल जो होते हैं तो चर्च और मंदिर अगर यहां पे बात होती तो हो सकता है दोनों सेम हो जाते तो ऊपर एक दूसरे के पूरक है ये एक दूसरे के पूरक नहीं है यहां से ये ऑप्शन क्या होगा सही होगा ठीक है चलो सरीसरप छिपकली स्तनपाई हिरण स्तनपाई हाथी क्रंतक खरगोश दिए हुए हैं इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा अलग होगा चेक करिए अच्छे ढंग से भाई छिपकली सरीसरप होती है सही लिखा हुआ है बिल्कुल छिपकली रेप्टाइल्स के अंदर आती है है ना हिरन स्तनपाई होता है ठीक है हाथी स्तनपाई होता है होता है अब खरगोश क्या होता है क्रंतक क्रंतक के अंदर चूहार गिलहरी आते हैं क्रंतक के अंदर है ना खरगोश को रखते हैं खरगोश भी स्तनपाई होता है खरगोश क्या होता है स्तनपाई या दूसरी बात में कहने लगे पहले ये लेगो मोरफा की प्रजाति में आते थे है ना फिर उसके बाद इनको स्तनपाई में रख दिया गया है ठीक है स्तनपाई के अंतर्गत आता है तो ये यहां से अलग हो जाएगा बाकी तीनों जोड़े बिल्कुल सही दिए हुए थे ये अलग हो जाएगा ठीक है ये भी स्तनपाई होता है खरगोश जो होता है वो भी मैमल के अंदर आता है नेक्स्ट मॉनिटर सीपीयू माउस मॉडम आसान सा क्वेश्चन है माउस क्यों इनपुट डिवाइस है मॉडम के ही तो पार्ट है ये ये होगा मॉडम किसको पूरा सेटअप एक तरीके से आ, कहने लगे क्या पेनड्राइव अच्छा ठीक है चलो चलो ठीक है ये ही आएगा इसमें आंसर मॉडम आएगा क्यों देखो ये मॉनिटर सीपीयू और माउस तीनों कंप्यूटर के पार्ट हो गए और जो मॉडम होता है वो एक तरीके से नेटवर्किंग सिस्टम के लिए यूज में आता है, है? चलो ठीक है यही ठीक है नेक्स्ट बताओ भाई इसका आंसर व्यास मीटर सेंटीमीटर और मिलीमीटर आसान सा क्वेश्चन है बाकी तीन क्या दिए हुए हैं दूरी के मात्रक भाई मीटर दिया हुआ है सेंटीमीटर और मिलीमीटर तीनों किसके हैं दूरी के मात्रक व्यास जो होता है किस में होता है व्रत में व्रत की सबसे बड़ी जीवा है ना चलो नेक्स्ट बताओ भाई इसका आंसर सभी लोग फ्लॉपी डिस्क ड्राइव रैंडम एक्सेस मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बताओ माइक्रो प्रोसेसर क्यों कारण ये कहां से मेमोरी है मेमोरी है ये नहीं बिल्कुल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ये भी तो क्या है हार्डवेयर के अंतर्गत आता है भाई और रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम ये भी हार्डवेयर में आता है माइक्रो प्रोसेसर जो होता है जिसपे बहुत सारी चिप लगी हुई होती हैं आईसी चिप जो लगी होती हैं वो भी तो क्या होता है हार्डवेयर हाथ से टच कर सकते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है सॉफ्टवेयर होता है भैया ये सॉफ्टवेयर इस वजह से ये अलग है ठीक है अच्छा क्वेश्चन था ये भी मजा आ गया चलो अब बता दो तो इसका आंसर कोजी कोड रायपुर इलाहाबाद इंदौर इसको तो इंग्लिश में लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई समझ रहे हो गए रायपुर इलाहाबाद इंदौर कोजी कोड कहाँ पड़ता है भाई ये पड़ता है केरल में केरल में है ना और मैं कहने लगू रायपुर जो है ये छत्तीसगढ़ में क्या है छत्तीसगढ़ की ठीक है छत्तीसगढ़ की राजधानी इलाहाबाद प्रयागराज ये यूपी में ही आ गया भाई और इंदौर मध्य प्रदेश अब सारे अलग अलग दिए हुए राज्य तो बी तो बचा बस केवल क्यों क्योंकि ये राजधानी है अब ये स्पेशल केस हो गया ये एक राजधानी है बाकी एक शहरों के नाम दिए हुए हैं बाकी तीन शहरों के नाम है ये राजधानी दी हुई है रायपुर यहां से अलग होगा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पायल अंगूठी चूड़ी घड़ी आसान है बिल्कुल पायल क्यों पैर में पैर हैं पायल अंगूठी चूड़ी घड़ी बताओ भाई अब मैं कहने लगू भाई पायल जो है पायल तो बिल्कुल एक एक तरीके से इस प्रकार से गोल की कंडीशन हो गई है ना अगर मैं कहने लगू अंगूठी भी बिल्कुल इस प्रकार से गोल कंडीशन हो जाएगी चूड़ी की बात करने लगू चूड़ी भी इस प्रकार हो जाएगी अब घड़ी जो है ये एक तरीके से जैसे कहते हैं ना रिंग छल्ला है ना उस प्रकार की कंडीशन हो गई अंदर से बिल्कुल खाली है अब घड़ी जो होती है जो आप घड़ी देखते हो वो पूरा क्या होता है उसमें क्या अंदर से पास कर सकते हो किसी चीज को ये बताओ कर सकते हो क्या ऐसे? ठीक है आपकी बात ठीक है मैं मान रहा हूँ आप कह रहे हो कि भाई वो ये पैर में पहनने के लिए प्रयोग में होती है और ये तीनों हाथ में अब घड़ी अब यहाँ पे घड़ी पता ना कौन सी घड़ी दे दी ये भी थोड़ी कहा है उसने स्पेशल में नहीं देखो नहीं नहीं वो ठीक है आपकी लेकिन उसने ऐसा थोड़ी बोला कि भाई हैंड वॉच है है ना वो हाथ वाली जो होती है उसके लिए वॉच ही बोलते हैं बिल्कुल ठीक है ना वो वाच ही होती है तो यहां से जो ऑप्शन होगा वो ये सही होगा ना कि ये वाला सही होगा ठीक है ठीक है एक सेकंड एक एक करके अच्छा और आप क्या कह रहे थे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ क्लियर हुआ ना बिल्कुल चलो नेक्स्ट मसाल ट्यूबलाइट स्विच और बल्ब आसान है बिल्कुल मसाल ट्यूबलाइट स्विच और बल्ब अब क्या हो गया क्या जी मसाल आ रही है स्विच चलो फिर तो ठीक हो क्योंकि यह भी प्रकाश देता है देखो मसाल भी प्रकाश देती है लाइट लाइट के लिए प्रयोग में करते हैं इसको भी ट्यूबलाइट भी क्या होता है प्रकाश के लिए यूज में और बल्ब भी स्विच जो होता है वो कहीं प्रकाश देता है क्या स्विच ठीक है करंट दे सकता है हाँ बिल्कुल हो सकता है अब मसाल हो सकता है वो आप कह रहे हो कि मसाल लेकिन मसाल जो है कभी कभी आ, अगर हम उसको प्राकृतिक ना लेके मसाल एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है लेकिन ये पुराने टाइम पे हम कह सकते हैं कि पुराने टाइम पे मसाल जो प्रयोग में होती थी वो उजाले के रूप में प्रयोग होती थी भाई उसमें चाहे कुछ भी डाल दो कपूर वगैरह या कोयला वगैरह जिससे भी उसमें या मिट्टी का तेल जैसे भी वो जलती हो तो वो प्राकृतिक की कंडीशन पर चला जाएगा और ये हो गए आपके लाइट वाले यानी इलेक्ट्रॉनिक हो गए है ना हो सकता है बिल्कुल हो सकता है लेकिन एग्जामिनर ने भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना वो कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर रखता है जिसमें दो या तीन कंडीशन जरूर फंस जाएँ वो अपने कोई सही मानेगा ठीक है तो यहां से जो आंसर होगा वो स्विच सही है ठीक है वो प्रकाश के लिए उसका जो कारण है उसने जो दिया कि भाई इसका प्रयोग भी हम प्रकाश के लिए कर रहे हैं इसका प्रयोग भी हम प्रकाश उजाले के लिए कर रहे हैं और इसका भी प्रयोग उजाले के लिए प्रकाश के लिए कर रहे हैं ठीक है चलो नेक्स्ट आसान क्वेश्चन है इसमें मुझे कुछ नहीं बताना आपको सभी पढ़े लिखे हो आप रसायन भौतिक जीव विज्ञान और गणित क्या होगा अलग गणित बिल्कुल गणित अलग होगा बाकी साइंस थी तीनों चलो नेक्स्ट <coughs> इसका बताओ भाई भोपाल रांची रायपुर बिलासपुर आसान है कैसे भाई आसान बताओ अच्छा तो मुझे बता दो ये किसकी राजधानी है जरा छत्तीसगढ़ की ये वाली असम की पकड़े गए ये झारखंड की राजधानी है यह छत्तीसगढ़ की राजधानी है और ये मध्य प्रदेश भोपाल बिलासपुर राजधानी में नहीं है ठीक है चलो नेक्स्ट गाजर पत्ता गोभी सलजम आलू बिल्कुल गाजर सलजम आलू जमीन के अंदर होने वाली फसल है जमीन के नीचे पत्ता गोभी जो होता है वो जमीन के ऊपर जमीन के ऊपर उगने वाली फसल है ये जमीन के नीचे से प्राप्त होती है तीनों की तीनों चलो नेक्स्ट अब बताओ मटर मूंगफली दालचीनी और सेम क्यों बिल्कुल मटर देखी होगी मटर मटर दो हिस्से में टूट जाती है इसको बोलते हैं द्वि बीजी पत्र जो पौधे होते हैं मूंगफली भी आप दो हिस्सों में तोड़ दोगे उसके बीज को और जो सेम होती है उसको भी दो हिस्सों में और दूसरी बात है भाई ये खाने में प्रयोग हो गई ये ये होता है मसाले में प्रयोग है ना मसाले के लिए प्रयोग होते हैं ठीक बिल्कुल चलो नेक्स्ट इसका आंसर देना ध्यानपूर्वक बिल्कुल मुझे पता है गलत करने वाले हो इस क्वेश्चन को आप इस क्वेश्चन को गलत करने वाले हो इतना मैं बता रहा हूं भारत जापान श्रीलंका मॉरिशस भारत जापान श्रीलंका मॉरिशस जापान वाले कितने हैं अच्छा क्यों और बाकी इनकी क्या बहुत अच्छे ठीक है थोड़ा सा अंतर आ जाता है रुपया और रुपया हल्का सा अंतर आता है बिल्कुल है ना मुद्रा में भी अंतर आ जाता है रुपया वहां रुपया होता है मॉरिशस हमारा यहां तक रुपया की कंडीशन हो जाएगी रुपया ही बोले चलो वो तो चलो ठीक है कंडीशन आपकी और बताओ भाई इससे अलग जापान से अलग और किसी का मॉरिशस वाला भी था आप बताओ भाई कंडीशन ठीक है आपकी भी मॉरिशस ठीक है मैं मानूंगा आपकी बात को क्यों कि भाई ये तीनों तो एशिया में पढ़ने वाले हैं और ये कहां पड़ता है अफ्रीका में मॉरिशस नहीं एशिया में तो नहीं है कंफर्म चलो सर्च कर लेना एक बार तो अब जो मैं बताने जा रहा हूं इसका आंसर क्या है वो देख लीजिए जरा इसका आंसर क्या है भाई इसका आंसर है भारत क्यों है भारत क्यों जापान को चेक कर लेना जापान जो है समुद्र इसके चारों तरफ पानी है जापान के चारों तरफ श्रीलंका के भी चारों तरफ पानी है एक तरीके से कहने लगे ये द्वीप समूह हो गए द्वीप हो गए और मॉरिसस जो है ये भी क्या होता है चारों तरफ से पानी से तो ये आंसर दिया है एग्जामिनर ने भारत भारत जो है तीन तरफ से घिरा हुआ है पानी से एक तरफ से नहीं घिरा हुआ है ठीक है ना बिल्कुल नेक्स्ट ये आ गया जीके का क्वेश्चन भाई नियोन हीलियम आर्गन हाइड्रोजन अगर गैसों के बारे में आपने पढ़ रखा होगा तो आप इसका आंसर दोगे न्योन हीलियम और आर्गन और हाइड्रोजन हीलियम क्यों बाकी भाई हाइड्रोजन आती है ना हाइड्रोजन होती है सक्रिय गैस तो बाकी तो अक्रिय में ही आती है तीनों की तीनों है ना यह देखा होगा ना भाई न्योन हीलियम और आर्गन तीनों अक्रिय गैस होती हैं अक्रिय जो क्रिया नहीं कर सकती ये हाइड्रोजन जो है वो सक्रिय गैस के अंतर्गत आती है चलो ये भी आंसर आप लोग दे दोगे वर्ग गोला प्रामिड और बेलन स्क्वेयर सर्कल प्रामिड और सिलेंडर स्क्वेयर और कोई स्क्वेयर से अलग है कोई बताओ भाई स्क्वेयर से अलग कोई सर्कल ये गलत लिखा हुआ है भाई सर्कल गलत लिखा हुआ है यहां पे। स्पेयर होना चाहिए था बिल्कुल गलत लिखा हुआ है एस पी एच E -R -E होती है भाई स्पेलिंग वो देख लेना मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है गोला पिरामिड और बेलन ये तीनों क्या होती हैं थ्री डी आकरिया है ना और ये आता है आपका टू डी में वो इंग्लिश में थोड़ा गलत लिखा हुआ है देखो कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी ये गलत लिखा हुआ है चलो ठीक है वर्ग आएगा फिर आंसर वो टू डी में आ गया ये तीनों के तीनों किस में होते हैं थ्री डी में नेक्स्ट राई मूंगफली नारियल आम आसान सा क्वेश्चन है राई मस्टर्ड मूंगफली, पीनट नारियल कोकोनट आम मैंगो मूंगफली क्यों आम आएगा ये तीनों ऑयल के लिए प्रयोग में आती हैं है ना ऑयल राई भी मस्टर्ड सरसों होती है ना सरसों से थोड़ा छोटी होती है ना राई शायद अचार वगैरह में पड़ती है ये मूंगफली ये भी ऑयल के लिए यूज में होती है नारियल भी ऑयल के लिए यूज में होता है आम ऑयल के लिए यूज होता है क्या नहीं वो फल के रूप में यूज होता है तो यहां से ऑप्शन होगा डी सही डी ऑप्शन चलो इसका आंसर देना अच्छे रूप से सोच समझकर। बुध, बुद्ध सनी बृहस्पति और पृथ्वी इसमें इस भी दो नियम लग रहे हैं इसमें भी दो नियम मिलेंगे कहीं ना कहीं से बुद्ध शनि बृहस्पति पृथ्वी अब कहने लगो जी पृथ्वी आएगा क्योंकि पृथ्वी पर ही जीवन संभव है अभी तक तो है ना अभी तक तो अभी तक तो पृथ्वी पर ही जीवन संबंधित है संभव है बुद्ध शनि बृहस्पति और पृथ्वी इन पे अभी जीवन संभव नहीं है खोज तो चल रही है पता नहीं कैसे होएगी अब बता दो तो कौन सा आंसर है हाँ वो भी कंडीशन लग जाएगी सैटेलाइट वाली बुद्ध बुद्ध के कितने ग्रह होते हैं जीरो शनि के पढ़ लेना भाई मुझे भी नहीं पता बृहस्पति और पृथ्वी के भी एक उपग्रह आता है है ना इनके बहुत ज़्यादा ज़्यादा हैं शायद सौ के समथिंग में कर हैं दोनों के लगभग इसके सड़सठ के समथिंग में कर उसके सौ के समथिंग में कर देख लेना तो यहां से जो ऑप्शन सही होगा बुद्ध बाकी सबके अपने अपने उपग्रह हैं बाकी सबके अपने अपने उपग्रह हैं उसका कोई भी उपग्रह नहीं है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है चंद्रमा है ना जो उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है तो यहां से बुद्ध सही है नेक्स्ट भैया इंग्लिश में ही आया क्वेश्चन हिंदी में इसमें नहीं आया बॉम्बे गोल्ड कप रंगास्वामी कप और नेहरू ट्रॉफी और नारंग कप क्यों बैडमिंटन का है बाकी तीन फुटबॉल से हॉकी से है ये तो रंगास्वामी हॉकी से है मैं बता दूं, ये भी हॉकी से है और यह भी हॉकी से नेहरू होता है फुटबॉल से और यह बैडमिंटन से है अब बताओ ऐसा कह सकते हैं भाई इन तीनों में क्या होता है इन तीनों में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं ग्यारह ग्यारह ही होते हैं ज्यादा होते हैं बता दो हॉकी और फुटबॉल हॉकी और फुटबॉल और क्रिकेट इसमें भी तो ग्यारह ही होते हैं हाँ बिल्कुल वो स्टेडियम में आ गए तीनों के तीनों और ये किस में आ गया बिल्कुल ये आंसर होगा नारंग कप इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं बैडमिंटन में एक टीम में दो हो सकते हैं दो से ज्यादा तो नहीं होते हाँ एक या दो वही तो बोल ज्यादा से ज्यादा दो हो सकते हैं इससे ज्यादा नहीं हो सकते एक या दो चलो नेक्स्ट ये भी इंग्लिश में पेनल्टी कॉमर फाउल पेनल्टी कॉर्नर ये कुछ जाने पहचाने से ना लग रहे पेनल्टी फाउल और पेनल्टी कॉर्नर हॉकी और फुटबॉल में मिलते हैं ये तीनों पेनल्टी फाउल और पेनल्टी कॉर्नर कॉमर होता है आने वाला आगुन तक शायद हैं आगमन देख लेना भाई कंफर्म नहीं कह सकता मैं इसके बारे में लेकिन ये तीनों क्या हैं खेल से संबंधित ये खेल से संबंधित नहीं है ठीक है चलो अच्छा ये आगे भाई अब आगे आपके अक्षर वर्गीकरण जो है अक्षर वर्गीकरण ठीक है चार चार ऑप्शन दिए हुए हैं दो क्वेश्चन है एक बार की स्क्रीन पर एस क्यू ओ एम डब्ल्यू यू एस पी एम के आई जे जेड एक्स वी टी नंबर याद होने चाहिए फटाफट आंसर आएंगे एस कितने पर होता है उन्नीस क्यों सत्रह दो कम कर दिए ओ पंद्रह दो कम कर दिए फिर दो कम कर दिए डब्लू तेईस माइनस दो इक्कीस इक्कीस माइनस दो उन्नीस उन्नीस में से कितने तीन 19 में से दो माइनस होते तो एक जैसा हो जाता यहाँ पे तीन माइनस हुए यहाँ पे दो दो की कंडीशन है मैं कहने लगू एम 13 के ग्यारह आई नौ जी सात पर इसमें सब में दो दो माइनस है दो दो माइनस है ना तो यहां पे भी माइनस दो की कंडीशन ऊपर भी माइनस दो जेड छब्बीस चौबीस बाईस बीस सब में दो दो के माइनस हो रहा है तो यहां से अलग कौन सा होगा एस पी ठीक है नंबर लिखने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको याद होंगे तो फटाफट माइंड में ही सॉल्व कर लोगे उनको अगले वाले को चेक करना जरा पॉट स्काई हैन और कप टी एस के वाई एच ई एन सी यू पी आ गया होगा समझ में बोलने से ओ टी आ गया वॉवल्स वॉवल्स इसमें तीनों के तीनों क्या दिए हुए हैं कॉन्सोनेंट दिए हुए हैं ठीक है बाकी सब में एक एक वॉवल्स आ रहा था वो भी बीच में इसमें एक भी वॉवल्स नहीं है तीनों के तीनों कॉन्सोनेंट दिए हुए हैं ठीक है चलो नेक्स्ट एक्स वाई एच डी ये दिया हुआ है एक्स वाई एच डी एक्स चौबीस पर वाई पच्चीस पर एच आठ और डी अब गलत करोगे इसे अब करोगे गलत कर दिया ना गलत देख लो मैंने क्या बोला था अब गलत करोगे एच ए क्यों है अच्छा तो ये ऐसे तो दो का वर्ग है ये पांच का वर्ग है चौबीस तो ना किसी का वर्ग है चौबीस तो ना किसी का भी वर्ग अरे नहीं भाई उसको मतलब <laughs> बहुत अच्छे ये कुछ नहीं है ये गलती से लग गया है भाई ऐसा मत करो हाँ ठीक है आपकी बात क्या जी वाई आ जाएगा ऑड नंबर्स पे लेकिन एग्जामिनर तो मैंने कर दी इस बारे में अब दूसरा नियम सोचो मैं मना कर रहा हूं इसके बारे में कि ये आंसर नहीं है अब दूसरा नियम सोचो दो दो से कैसे आकृति पे मत जाओ मैंने कर रहा हूं इस बात है आकृति पे मैंने उस दिन शुरुआत में आपको बता दी थी इस प्रकार से देगा क्वेश्चन इस प्रकार से आकृति पे अगर क्वेश्चन आएगा तो वो इस प्रकार से आएगा ए बी सी और डी यहां पे लिख के देगा फिर एक्स वाई और एच और डी तब डी मान लेता मैं आपकी बात को सही तब वो इस प्रकार से मिलेगा आकृति रूप में तो ठीक है यहां ध्यान देना आप जरा एक्स जो है अगर मैं इसको दर्पण प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज में चेक करता हूं क्या ये चेंज हो जाएगा नहीं होने वाला चेंज वाई को देखूंगा तो वाई बिल्कुल ऐसी की ऐसी दिखाई देगी, है ना? एच को देखने लगू तो बिल्कुल एच भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से ऐसी ही दिखाई देगी और डी को चेंज करूंगा डी तो बदल जाएगा तो यहां से एग्जामिनर ने जो आंसर दिया वो क्या दिया है डी ठीक है देख लो 25 वाला भी हमारा गलत हो गया ज्यादातर 90 परसेंट बच्चे इसी को लगा के आते है ना हो जाता गलत गलत तो नहीं है गलत नहीं कह सकते लेकिन एग्जामिनर नहीं मानेगा आपकी बात को नंबर नहीं मिलेगा उसका कहां से गलत है वो भी कह देगा मेरा कहां से गलत है ये मैं बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन ऐसा मिलता ही मिलता है जिसके दो ऑप्शन आपके सही होते हैं हमारा नियम बिल्कुल सही है क्या भाई ये पच्चीस पे बिल्कुल सही है लेकिन एग्जामिनर इस बात को नकार देगा वो मन कर देगा भाई मैं तो मिरर इमेज पर रख रहा हूं इस क्वेश्चन को ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में इस प्रकार के मिलते हैं जो हम पे से छोटी सी गलती के कारण गलत हो जाते हैं ठीक है तो उसका भी हमें ध्यान पे रखना होगा थोड़ा सा हाँ घना आसान हो जाता चलो नेक्स्ट चलो <laughs> एच एस आई आर जे पी बी वाई पढ़ने से ही पता चलेगा कल भी बताया था मैंने आपको ए से लेकर एम तक और एन से लेकर जेड तक एक दूसरे के पूरा के लिखते चले जाइए बी सी डी ई एन ओ पी क्यू जेड तक इस प्रकार से तो मैं कहने लगूं एच आठ पर एस उन्नीस पर एक दूसरे के पूरा के आठ और उन्नीस मिलकर सत्ताईस हो गया आई नौ पर आर अट्ठारह पर मिलकर कितना हो गया सत्ताईस जे दस पर पी सोलह पर कितना हो गया छब्बीस यही हो गया आंसर फिर तो बी दो पर और वाई पच्चीस पर एक दूसरे के पूरक थे जे पी यहां से क्या होगा अलग ठीक है दोनों मिलकर सत्ताईस नहीं बैठ पा रहे नेक्स्ट एन एम एल ये तो आसान सा क्वेश्चन सर तो सभी बता दोगे भाई एल एम एन सी डी यू वी डब्ल्यू एस टी यू होना चाहिए था इसने ये उल्टे क्रम में लिख दिया क्यू आर एस ऐसे लिख दिया तो यहां से कौन सा गलत होगा सी ठीक है ये तीन से अलग हो गया बिल्कुल क्योंकि वो विपरीत क्रम में लिखे हुए थे ऐसा कहने लगे भाई चौदह में से एक कम तेरह तेरह में से एक कम बारह है ई पांच पांच में से एक कम चार चार में से एक कम तीन अब क्यों सत्रह सत्रह में से एक कम सोलह पी आना चाहिए था तो यह गड़बड़ हो गई बाकी तेईस माइनस एक बाईस माइनस एक इक्कीस ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ई बी आर टी पी एच आई एफ एन ओ एल आपको बताना है कौन सा अलग है इसमें कौन सा विषम सब आ, पद है वो आपको बताना है हाँ, है कुछ और भी तो लगा के देख लो कभी कुछ और बन जावे ऐसा भी तो हो सकता है बिल्कुल डी चार पर ई e, पांच पर और बी दो पर आर अठारह टी बीस पी सोलह एच आठ आई नौ एफ छ पर एन चौदह पर ओ पंद्रह पर और एल बारह पर देखिए जरा दो और दो चार चार और एक पांच सोलह और दो अठारह दो बीस छ और दो आठ प्लस एक नौ बारह और दो चौदह प्लस एक क्या ये कंडीशन सही ना हो जाएगी फिर इन दोनों में दो का डिफरेंस है दो और दो चार सोलह दो अठारह छह दो आठ बारह और दो चौदह ठीक है उसके बाद चेक करें चार और एक पांच आठ और एक नौ चौदह और एक पंद्रह तो गड़बड़ कहां पर हो गई इसमें ठीक है वो भी हाँ, बिल्कुल वही कंडीशन है ये बी ऑप्शन यहां से सही होगा वो आपकी बात है भाई लग गई इसमें बात के ये वाला जो वॉबल्स वाली कंडीशन है लग चुकी है लेकिन उसको बाद में देखेंगे पहले एबीसीडी का इनका हम किरम देखेंगे उनके नंबर के अनुसार ठीक है चलो नेक्स्ट बताओ भाई ये भी आसान सा क्वेश्चन है अगला एम एन ओ एम बी डी सी बी एक्स जेड वाई एक्स पी आर क्यू पी सिंपल सा क्वेश्चन है देखो पी क्यू आर एक्स वाई जेड बी सी डी एम एन ओ होना चाहिए था बाकी ये तो पहले और लास्ट के तो सभी में सेम थे पहले और लास्ट के सभी में सेम थे इसमें गड़बड़ हो गई एम एन ओ ये विपरीत क्रम में लिख दिया ये अलग हो जाएगा यहां से ठीक है किसी को कोई दिक्कत आसान क्वेश्चन है एग्जाम में कर लोगे इनमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली बताओ भाई यू एल ई पी एस ई आर टी ओ यू एस क्यू ए सी आई डी चलो भाई फटाफट बताओ भाई जल्दी से सभी लोग आंसर दोगे इक्कीस बारह पांच सोलह कुछ नियम बना एस उन्नीस पांच अठारह बीस ओ पंद्रह इक्कीस उन्नीस सत्रह ए एक तीन और नौ और चार गड़बड़ सी हो रही है चारों तरफ गड़बड़ सी हो रही है सीरीज कहीं पे नहीं बन पा रही दिख रही है क्या सीरीज की धर से ही भाई ये एक पर ये तीन पर ये नौ पर आ गए फिर चार पर कम कर दिया पंद्रह और छह इक्कीस और फिर इसने यहां पे माइनस कर दिया इसमें तो लास्ट में माइनस कर रहा था एस उन्नीस यहाँ शुरू में ही माइनस कर दिया फिर अठारह और दो बीस यू इक्कीस फिर माइनस कर रहा है फिर माइनस कर रहा है फिर प्लस कर दिया तो सब में अलग अलग नियम लग रहा है बिल्कुल तो स्वर बिल्कुल 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 स्वर और व्यंजन पर चले जाएंगे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट कितने कितने इस वाले में दो हैं इस वाले में एक इस वाले में दो इस वाले में दो तो एक कौन से में था बी में तो यहां से होगा ये वाला ऑप्शन सही बाकी सब में दो दो वॉवल्स दिए हुए थे इसमें केवल एक है ठीक है चलो नेक्स्ट एम आई जी ई एक्स टी क्यू ओ आर एन के आई एच डी ए वाई बताओ फटाफट जल्दी से एम तेरे आई नौ जी सात और ई e पांच पर पांच दो सात दो नौ और चार तेहरह है आगे देख रहे हैं एक्स चौबीस पर टी बीस पर क्यों सत्रह ओ पंद्रह आगे आर अठारह एन चौदह के ग्यारह आई नौ पर एच आठ पर डी चार पर ए एक पर और ये पच्चीस पर पांच और दो सात और दो नौ और चार तेरह प्लस दो प्लस दो प्लस चार पंद्रह दो सत्रह और तीन बीस यहां प्लस तीन कर दिया ऊपर तो प्लस दो था पंद्रह दो सत्रह और, और, और तीन बीस और चार चौबीस ठीक नौ और दो ग्यारह ग्यारह और तीन चौदह प्लस यानी कि प्लस दो प्लस तीन प्लस चार पच्चीस और दो सत्ताईस सत्ताइस पे ए आ जाएगा दोबारा से और एक और तीन चार चार और चार आठ तो यहां तीन यहां चार और यहां दो तो गड़बड़ किसमें हुई पहले वाले में गड़बड़ किसमें हुई पहले वाले में ये वाला ऑप्शन सही होगा क्लियर चलो लास्ट क्वेश्चन है आपका बताओ भाई इसका आंसर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ए ई जे ओ टी वाई ए एफ के पी यू जेड ए एफ के पी टी वाई ए ई आई एन आर वी क्यों कहां पांच की ओर है देखिए जरा ए और ई में कहा पांच की कंडीशन बनी ए एक पर ई पांच पर तो चार ही तो छोड़े अक्षर भाई अगर मैं कहने लगू ए एक पर ई पांच पर जे दस पर ओ पंद्रह पर टी बीस पर ये पच्चीस पर चलो इसमें पांच का गैप थोड़ी है इसमें तो चार का गैप है बाकी आगे पांच पांच का ठीक था लेकिन पहले वाले में चार का क्या दूसरे वाले में ये नियम लग रहा है एक पर एफ छे पर के ग्यारह पी सोलह यू इक्कीस जेड छब्बीस एक और पांच छह पांच ग्यारह पांच सोलह पांच इक्कीस और पांच छब्बीस पांच पांच का गैप है सभी में अगले वाले को चेक कर लो ए एक पर एफ छे पर ग्यारह सोलह बीस और पच्चीस यहां गड़बड़ कर दी इसमें चार का ही गैप बचा है ना लास्ट वाले को और चेक कर लो एक पांच नौ चौदह अट्ठारह और बाईस एक और चार पांच पांच और चार नौ नौ और पांच अब यहां पांच का कर दिया इसने तो सीरीज जो बन रही है केवल कौन से ऑप्शन पे बन रही है बी पर सब में समान गैप था बिल्कुल पांच पांच के डिफरेंस पे जा रहा है तो ऑप्शन होगा ये वाला सही ठीक है चलो अब जो कल का टॉपिक है वो वर्गीकरण के अब बचे आपके कौन से नंबर्स वाले बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं नंबर्स वाले उनपे मेहनत ज्यादा करनी है ध्यान रखना वर्ग घन भाज्य अभाज्य ठीक है घात तीन घात चार घात पांच तक की भी कंडीशन मिलेगी ठीक है अंकों का योग अंकों का डिफरेंस बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे उस पर कल सारी टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा ठीक है